नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु मुंबई में बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन किया। मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक MTHL के रूप में सबसे लंबा समुद्रीय पुल है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में दौड़ेंगी इस पर कारें। टोल टैक्स 250 रुपए है। 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल जमीन पर 5.5, समुद्र में 16.5 किलोमीटर की लंबाई। तो वहीं 1,77,903 टन स्टील, 5,04,253 टन सीमेंट का इस्तेमाल इसमें हुआ है। 18,000 करोड़ की इसकी लागत आई है। अटल सेतु से 2 घंटे की जगह 20 मिनट में तय होगी मुंबई नवी मुंबई के बीच की दूरी। पुल पर नहीं चलेंगे ट्रैक्टर, 3 पहिया, बाइक, स्कूटर और धीमी गति के वाहन। प्रतिदिन 70,000 वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है ये पुल। समुद्र पुल से समुद्र तल से 15 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है अटल सेतु, जिसको समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को कर दिया है। और देखिए, कई घंटों की दूरी महज कुछ ही घंटों में 20 मिनट में तय हो जाएगी, इसलिए ये बेहद कारगर साबित होने वाला है। लोगों के लिए सहूलियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु मुंबई में बनकर तैयार हो गया है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। राष्ट्रीय युवा महोत्सव को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया और तमाम अहम बातें कही। पीएम मोदी ने सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की सबसे पहले शुभकामनाएं दी, फिर कहा कि महाराष्ट्र की धरती वीरों की भूमि है। इस धरती पर शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। श्री राम ने इस भूमि पर काफी समय बिताया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी श्रमदान करें, सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं, 22 जनवरी तक देश के मंदिरों में साफ सफाई करें, ये भी आह्वान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। स्टार्टअप में भारत आज 3रे नंबर पर है। आज भारत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। युवाओं के पास इतिहास बनाने का मौका है। आज ये दायित्व युवाओं के मजबूत कंधों पर है, तो संबोधन प्रधानमंत्री का बेहद खास रहा। ये तमाम बातें युवाओं से प्रधानमंत्री ने की और साथ ही साथ आह्वान भी किया कि सभी इसमें सहयोग करें। आज ये दायित्व युवाओं के मजबूत कंधों पर है कि आत्मनिर्भर की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री ने तय की है उसको साकार करना है, सभी को साथ लेकर चलना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का राष्ट्रीय सम्मेलन, 2 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं दी है। कहा कि भारत में करीब 4 लाख और राजस्थान में 30,000 सीए हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था में सीए की विशेष भूमिका है। सरकार और व्यवसाय को वित्तीय व्यवस्था से रूबरू करवाते हैं। ये मेहनत और शिक्षा से यहाँ पहुंचे हैं। बदलाव की चुनौतियों के लिए ऐसे सम्मेलन होना बेहद लाभदायक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको संबोधित मुख्यमंत्री ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनत और शिक्षा से ये यहाँ पर पहुंचे हैं। बदलाव की चुनौतियों के लिए ऐसे सम्मेलन होना बेहद लाभदायक है, क्योंकि सफल और सुखद इसमें चर्चा होती है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने सौंपी है जिम्मेदारी। शेख हसीना ने कैबिनेट के सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी है। असदुज्जमा खान को फिर से गृह मंत्रालय का जिम्मा उन्होंने दिया है। तो वहीं डॉक्टर हसन महमूद होंगे बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री। डॉक्टर हसन महमूद थे 2009-2014 तक पर्यावरण एवं वन मंत्री। उबैदुल कादर को भी परिवहन मंत्रालय की फिर से जिम्मेदारी शेख हसीना ने दी है। अयोध्या के राम मंदिर के लिए अब तक मिला 5,500 करोड़ रुपए का चंदा। 11.3 करोड़ रुपए देकर सबसे बड़े दानदाता कथावाचक मुरारी बापू बने हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में 18 करोड़ लोगों का दान पहुंचा है। तो वहीं SBI, PNB, BOB के खातों में भक्तों ने जमा कराए थे
3200 करोड़ रुपए। इसकी एफडी करवाने के बाद राशि बढ़कर हो गई 5500 करोड़ रुपए। तो वहीं दानदाताओं से मिली धनराशि से मंदिर का पहला तल बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि सभी की आस्था है, सभी की भावना है और अपनी आस्था और भावना के अनुरूप सभी दान दे रहे हैं, जो कि करोड़ों में पहुंच चुका है। अब धनराशि से मंदिर का पहला तल बनकर तैयार हो गया है। अलग अलग बैंक खातों के जरिए सभी ने अपने इच्छा के अनुरूप दान दिया है। 17वीं लोकसभा का अंतिम बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। लोकसभा का अंतिम सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। ये बजट सत्र 31 जनवरी को होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। सबसे पहले 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी इस बात की दी है, लेकिन नजर इसलिए भी रहेगी क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में कुछ लोक लुभावन योजनाएं यहां पर लाई जा सकती हैं और बड़ी बातें बजट में देखने को मिल सकती है। तो अंतिम बजट सत्र है ये, 31 जनवरी से शुरू होगा। लोकसभा का अंतिम सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक ये चलने वाला है। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये पूरी जानकारी साझा की है। और चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी बैठक की। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में ये अहम बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा, प्रभारी अरुण सिंह बैठक में मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। सभी 25 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन हुआ है इस बैठक में। तो वहीं इसके साथ साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। भाजपा नेता ओम माथुर चंद्रशेखर, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, अरुण चतुर्वेदी बैठक में मौजूद रहे हैं। और क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाने शुरू कर दी, ना केवल बीजेपी ने बल्कि समूचा विपक्ष भी एकजुट होकर गठबंधन बनाकर चुनावी तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि वो बात अलग है कि वहां पर सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रणनीति बनाई जा रही है कि एक बार फिर से राजस्थान की 25 की 25 सीटों को किस तरीके से जीता जाए। अब देखना यह होगा कि किस फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी रणनीति बनाती है। भारत से तकरार, चीन से प्यार। जी हां, मालदीव ने चीन के साथ किए हैं 20 समझौते। वही मालदीव जिसकी तरफ से, जिसके कुछ मंत्रियों की तरफ से भारत को लेकर बयान दिए गए थे। वो बात अलग है कि कार्रवाई हुई है तीनों मंत्रियों पर। मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद मुइजू की पहली बीजिंग की यात्रा। मोहम्मद मुइजू ने की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात। पर्यटन सहयोग सहित 20 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर दोनों के बीच हुए हैं। चीन ने किया मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग का वादा। चीन अनुदान देने के लिए भी तैयार है। राशि का खुलासा हालांकि अभी नहीं किया है, लेकिन चीन की स्ट्रैटेजी अलग ही रहती है विस्तारवाद की। चीन समर्थक माने जाते हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, और जैसे ही वो राष्ट्रपति बने थे वैसे ही उनका बयान चर्चा में आया था। अब आंध्र प्रदेश में जल्द जातिगत जनगणना होगी। आंध्र प्रदेश सीएम जगनमोहन रेड्डी ने मांगी है कास्ट सर्वे की रिपोर्ट। एक महीने के भीतर ही जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट उन्होंने मांग ली है। सीएम जगन ने गत नवंबर में ही कास्ट सर्वे की कर दी थी घोषणा। अब 9 जनवरी को इस संबंध में सरकारी आदेश का उन्होंने जारी कर दिया था। सरकारी आदेश चुनाव से ठीक पहले लिया गया। जगन का ये निर्णय एक संकेत भी है जिसमें कई मायने हैं, कई संदेश छिपे हुए हैं। दरअसल चुनाव जीतने की रणनीति में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जातिगत जनगणना का मुद्दा प्रमुख तौर से उठाया गया। आपने खासतौर पर राहुल गांधी को सुना होगा, नीतीश कुमार को आपने सुना होगा, अन्य नेताओं को सुना होगा जातिगत जनगणना की बात वो कहते नजर आए थे। लेकिन यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी पहले से ही इस बात का जिक्र कर चुके हैं और इसी के मद्देनजर एक महीने के भीतर ही जातिगत सर्वेक्षण की उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है। सीएम जगन ने गत नवंबर में ही कास्ट सर्वे की घोषणा कर दी थी। अब 9 जनवरी को इस संबंध में सरकारी आदेश जारी कर दिया गया उनकी तरफ से। चुनाव से ठीक पहले लिया गया जगन का यह निर्णय एक संकेत भी है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि चुनाव जीतने की रणनीति में कोई कसर वो नहीं छोड़ना चाहते। ग्रोथ रेट के बारे में रघुराम राजन का आकलन फेल। भारत की 2023-24 में ग्रोथ रेट के बारे में उन्होंने आकलन किया था, और जब उन्होंने आकलन किया था बड़ा चर्चा में वो रहा था। भारत की ग्रोथ रेट 5% से कम रहने की टिप्पणी उन्होंने की थी, लेकिन रघुराम राजन के आकलन से उलट ग्रोथ रेट रही है 7.2%। हालांकि उन्होंने
आकलन की त्रुटि को यह कहकर समझाने का प्रयास किया है कि भाग्य ने भारत का साथ दिया इसलिए ग्रोथ रेट इतनी अच्छी रही है। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि पूर्व गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, इस तरीके से उनकी तरफ से बातें कही गई हैं। हालांकि काफी हद तक भारत की इकोनॉमी हो चुकी है डिजिटल, लेकिन रघुराम राजन का आकलन जो फेल हुआ है, जब उनसे उन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने ये भी बात कही है कि भारत का भाग्य साथ दे रहा है, भाग्य ने भारत का साथ दिया इसलिए ग्रोथ रेट इतनी अच्छी रही है। हालांकि काफी हद तक भारत की इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो वो डिजिटल हो चुकी है और इसी पर फोकस भी सबसे ज्यादा किया जा रहा है। शिवसेना के विभाजन के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष का फैसला, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट असली शिवसेना, ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दिया गया था राहुल नार्वेकर की तरफ से, लेकिन उद्धव गुट के 14 विधायक अयोग्य घोषित नहीं। दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में की जाएगी फैसले की पड़ताल। अब पिछले वर्ष मई में सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे विभाजन से जुड़े मुद्दे, तो वहीं दोनों गुटों की तरफ से याचिका पर स्पीकर ने फैसला सुनाया है। ठाकरे गुट के 16 विधायक और 40 विधायकों के साथ शिंदे गुट असली है, तो इस फैसले का राकपा के विभाजन पर भी असर पड़ेगा। परिवार आधारित पार्टियों के लिए चेतावनी की तरह है ये फैसला। हालांकि जैसे ही स्पीकर का फैसला आया, शिंदे गुट के लिए वो एक बड़ा फैसला था, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव गुट के लिए बड़ा झटका भी था, क्योंकि उद्धव गुट यही कह रहा था कि हमें अभी इस फैसले का इंतजार है। और साथ ही साथ यहाँ पर बड़ा झटका जरूर लगा उद्धव ठाकरे को, क्योंकि वो यही कह रहे थे कि न्याय शायद यहाँ से हो, लेकिन यहाँ से भी निराशा उनके हाथ लगी। बयान जो सामने आए थे कांग्रेस की तरफ से भी, एनसीपी की तरफ से भी और उद्धव गुट की तरफ से भी, उन्होंने कहा हालांकि हमें पहले से ऐसी उम्मीद लग रही थी, इसमें कुछ नया नहीं है।